हाय एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है वो फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का पहला सेशन है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं फिलर्स के बारे में, तब आगे के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। बहुत सरल है। फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आपको जो फिलर्स भरने होंगे वो वोकैबलरी पे बेस्ड हो सकते हैं, कई बार ग्रामर पे बेस्ड हो सकते हैं, कई बार इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको फिल करनी पड़ सकती, कई बार फ्रेजल वर्ब्स मिल सकती हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और जो लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर लाइव। और चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड, पहले पहले क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसे रीड आउट करिए। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज सीरियस अबाउट, फिर चार ऑप्शंस हैं, द करप्ट, ही मस्ट डेमॉन्स्ट्रेट दैट इट इज डन विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। अब आपको थोड़ा बहुत इसका मीनिंग समझ में आया होगा कि क्या कहने का मीनिंग है। चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है लुकिंग डाउन ऑन। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शंस जो हैं वो फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड हैं। ये चार की चारों फ्रेजेस हैं। लुकिंग डाउन ऑन, ये लुक डाउन ऑन से बना हुआ, जिसका मतलब है किसी को नीचा दिखाना, निम्न भाव से देखना, किसी को स्वयं से गिरा हुआ या फिर तुच्छ समझना। जैसे कहा जा सकता है वन शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कभी भी गरीबों को हीन भावना से देखे। लुक डाउन ऑन कहते हैं। फिर जो सेकेंड ऑप्शन है डूइंग अवे विद, ये डू अवे विद से बना है। ये भी एक फ्रेज है। डू अवे विद का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, अबॉलिश करना, एब्रोगेट करना। अभी मैंने पिछले ही सेशन में एक रूट वर्ड पढ़ाया था ए बी, वहां पर अबॉलिश और एब्रोगेट ये वर्ड आए थे। तो डू अवे विद का भी यही मीनिंग है, समाप्त करना, छुटकारा पाना। जैसे कहा जाए इट इज वेरी हार्ड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया टू डू अवे विद पॉवर्टी। हाँ, इंडिया जैसे देश के लिए जहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, ऐसे देशों के लिए गरीबी को समाप्त करना, क्या कहा मैंने, गरीबी को समाप्त करना, इसी को कहा जाता है डू अवे विद। तो थर्ड ऑप्शन अब देखिए रीच आउट टू। रीच आउट टू का मतलब है पहुंचना, एक तरीके से किस प्रकार से पहुंचना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना, मदद पहुंचाना, एक तरीके से ये रीच आउट टू का केस हो सकता है। रीच आउट टू को आप ना पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। याद करिए जब चुनाव आने वाले होते हैं तो ये नेता लोग जो हैं गांव गांव में, गलियों गलियों में, घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए। मतलब सकरी सकरी गलियां हैं फिर भी चले जाएंगे, नहीं रास्ता होगी तो घूर के ऊपर से चले जाएंगे, अपना मेकअप पूरा का पूरा बिगाड़ देंगे जस्ट फॉर वन वोट। तो ये रीच आउट टू करने का तरीका है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्शन कैंपेन्स हैव स्टार्टेड एंड एवरी पॉलिटिकल पीपल, एवरी पॉलिटिकल लीडर इज रीचिंग आउट टू एज मेनी वोटर्स एज ही कैन। रीच आउट टू मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो अभी देश पूरा रुका हुआ है, बहुत से लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, बहुत से लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें मदद चाहिए, तो सरकार उन्हें मदद पहुंचा रही है। ये भी रीच आउट टू का केस हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, सरकार मदद पहुंचा रही, किसी को राशन दे रही, तो किसी को खाने पीने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। सो हेल्प इज बीइंग रीच्ड आउट टू द पीपल हु नीड इट द मोस्ट। रीच आउट टू का ये मतलब है मदद को पहुंचाना, देना, उपलब्ध कराना, अपनी बात को सामने वाले के आगे रखना। लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन है गोइंग आफ्टर। गो आफ्टर भी एक फ्रेज है जिसका मतलब है टू डील विथ समबडी इन अ वेरी रिजिड और स्ट्रिक्ट मैनर, बहुत सख्ती से पेश आना, पनिश करना काफी हद तक। गो आफ्टर समबडी का मतलब है एक तो किसी का पीछा करना भी हो सकता है। अब किसी का पीछा कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि चोर दौड़ रहा, पुलिस उसका पीछा कर रही, तो क्या करेगी, पीछा करेगी, पकड़ने के बाद क्या करेगी, सिंहासन देके बिठाएगी, नहीं, उसको उड़ाएगी, तो पनिश ही तो करेगी। तो गो आफ्टर का मतलब स्ट्रिक्ट वे में डील करना, पनिश करना एक तरीके से। अब आप सेंटेंस को फिर से पढ़िए, मैंने चारों फ्रेजेस का मीनिंग समझा दिया है, फिर से सुन लीजिए। लुक डाउन ऑन समबडी का मतलब होता है हीन भावना से किसी को देखना। डू अवे विद समथिंग का मतलब है किसी व्यवस्था से छुटकारा पाना। लाइक वेन शैल वी डू अवे विद प्रैक्टिस लाइक डावरी, ये सारी चीजें। और रीच आउट टू,
अपनी बात को दूसरों को कहना, दूसरों से संपर्क साधना, संवाद स्थापित करना, गो आफ्टर सख्ती से पेश आना। आपने सेंटेंस अगर पढ़ लिया हो तो मैं बता दूं कि गो आफ्टर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कैसे ये कहा कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री महोदय गंभीर हैं, सीरियस अबाउट गोइंग आफ्टर द करप्ट, करप्ट का मतलब भ्रष्ट लोगों से है। देखिए करप्ट के आगे आर्टिकल दा लगा, वैसे तो करप्ट एक एडजेक्टिव है पर जब इसके पहले आर्टिकल दा लग गया है तो इट हैज बिकम अ प्लूरल नाउन। तो द करप्ट मतलब एवरीबडी हु इज करप्ट, हर गरीब सॉरी हर भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आप द करप्ट कह रहे हैं, यहाँ पर प्लूरल नाउन के तरीके से यूज हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री महोदय वास्तव में गंभीर है भ्रष्टाचारियों को सजा देने को लेकर, देन ही मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट इट इज डन, तब उन्हें हर हाल में दिखाना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है शो करना, दर्शाना, दिखाना चाहिए दैट की इट इज डन विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस, कि ये किसी भी राजनीतिक भेदभाव के बिना किया जाए। आप अक्सर सुनते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स पे केस चलवा देती है, सीबीआई इंक्वायरी करवा देती है और फिर तर्क देती है कि हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं। तो ऐसे में ही एक सेंटेंस बना, मान लीजिए किसी ऑपोजिशन के लीडर ने यह बात बोली, इट इज गुड दैट द पीएम वांट्स टू गो आफ्टर द करप्ट बट ही मस्ट एंश्योर दैट ही डज इट विदाउट बींग बायस टूवर्ड्स एनीबडी, किसी के प्रति भेदभाव किए बगैर वो अपराधियों को भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं। तो ये था पहले क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन, आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत स्मार्ट था इसलिए इतना टाइम लगा, सेकंड सेंटेंस भी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा सरल है, उसके ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं। द रूम वॉज, पढ़िए सेंटेंस को, द रूम वॉज आगे कैंडल्स, इसका मतलब क्या है कि कमरा है और कमरे में मोमबत्तियां लगाई गई हैं, तो कमरा जो है मोमबत्तियों से जगमगा रहा है। कमरे में मोमबत्तियां जलाई गई हैं, जब चीजें जगमगा रही हैं तो अग्लो विद लगाइए ना, आप ध्यान से देखिए, अग्लो ग्लो से बना, ग्लो का मतलब ही होता है चमक, शाइन। तो कमरा जो है मोमबत्तियों से ग्लो कर रहा था, अग्लो विद। अब बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लीजिए क्योंकि भले ही वो यहां नहीं फिट हुए हैं बट दे आर वेरी वेरी स्मार्ट ऑप्शंस। अगॉग विद सेकंड ऑप्शन है, वैसे तो जनरली अगॉग को विद की जरूरत नहीं पड़ती पर यहां लगा है तो मैं बता रहा हूं। अगॉग होने का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, क्या कहा मैंने, एक्साइटेड होना, हाँ, टू बी अगॉग, एक्साइटेड होना। एक बात और सुन लीजिए, कभी कभी अगॉग के पहले ए डबल एल ऑल लगा रहता, ऑल अगॉग, आप कहीं नोट कर लें, बाद में इस सेशन के बाद जो है उसे पढ़िएगा, डिक्शनरी में गूगल करिएगा तो पता चलेगा कि ऑल अगॉग का मतलब है किसी चीज को जानना, अवेयर होना एक तरीके से। जैसे कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात चल रही है, संभवतः डिसीजन अभी तक नहीं आया लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि डिसीजन आ जाएगा। हाँ, तो कोई कह रहा है मैं तो पहले ही जानता था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो पहले से ही जानता था लॉकडाउन बढ़ेगा, तो आई वॉज ऑल अगॉग दैट दिस लॉकडाउन शैल बी एक्सटेंडेड, आई वॉज ऑल अगॉग, मैं पहले से ही जानता था, आई वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ये ऑल अगॉग का मीनिंग है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेज है, ऑब्सेस्ड विद होने का मतलब है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ केंद्रित है और आप एक तरीके से मान लीजिए पगलाए हुए हैं एक तरीके से। अब आप रामायण का ही प्रसंग ले लीजिए, हर कोई समझा रहा है, एवरी अदर पर्सन इज ट्राइंग टू मेक रावण अंडरस्टैंड कि गलत किया है उसने सीता जी का हरण करके, सीता जी को सम्मान पूर्वक राम जी को लौटा देना चाहिए, पर क्या रावण समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, क्यों, क्योंकि ऑब्सेशन छाया हुआ है, वो पगलाया हुआ है सीता जी को लेकर, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये ऑब्सेशन है जब आप गलत और सही का भेद भूल जाएं और आप किसी गलत कार्य के पीछे पागलों के जैसे पड़ जाएं, तो ये ऑब्सेशन कहा जाता है। तो ही हैज डेवलप्ड ऑब्सेशन इन हिज माइंड फॉर सीता जी, इसी को इनफैचुएशन भी कहते हैं, एक तरीके से अनजस्ट अट्रैक्शन जिसको कहा जा सकता है। तो ऑब्सेस्ड विद होने का ये मतलब, मैं आपको एक और
रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि आप देखते हैं कि यंग एज के लड़के जिम जाते हैं, सुबह भी जाते हैं शाम भी जाते हैं, दैट्स वेरी गुड, अपने शरीर को मेंटेन करके रखना ठीक है, हेल्दी रहना चाहिए आदमी को। लेकिन कई बार आप क्या देखते हैं, ये ओवरडोज हो जाता है, ये जो जिमिंग है ये ओवरडोज हो जाता है, दो दो घंटे सुबह, दो दो घंटे शाम, और फिर दिन भर भी अपनी बाइसेप्स को ही देखते रहना, दिन भर जो है फोटोज खींचते रहना, ये सब ऑब्सेशन में आ गया, आदमी जैसे पगला आ गया, कोई काम ही नहीं बचा, सुबह शाम जिम करो और दिन भर अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को ट्राई करो, कभी हाफ स्लीव्स कभी स्लीवलेस, तो इस तरीके से, और दिन भर सेल्फीज लेते रहो। आजकल हम लोगों ने सेल्फी खींचने का जो ट्रेंड शुरू किया है उसको भी लेकर तो हमने ऑब्सेशन डेवलप कर रखा है, हर वो गंदी आदत जो हमारे पीछे पड़ गई है या जिसके हम पीछे पड़ गए हैं वो एक प्रकार से ऑब्सेशन कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, अफ्लिक्टेड विद। अफ्लिक्टेड विद का मतलब है किसी बीमारी से पीड़ित होना, अफ्लिक्टेड विद। याद रखिएगा दो बातें, एक तो अफ्लिक्टेड के बाद विद नाम का प्रेपोजिशन आता है और दूसरी बात अफ्लिक्टेड का मतलब बीमारी से पीड़ित होना, ग्रसित होना ही कहा जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो लाइक ही इज अफ्लिक्टेड विद डेंगू, ही इज अफ्लिक्टेड विद क्लेप्टोमेनिया, ये जो समस्याएं हैं जिनसे आप पीड़ित हैं ग्रसित हैं उनको कहेंगे। देखिए आपको आंसर तो मिल गया, आप एक और बात समझिए कि बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, ना कि सिर्फ उनका मीनिंग। मैंने ये भी ध्यान रखा है कि ऑब्सेस्ड के साथ हमेशा विद लगता है तो ऑप्शन में मैंने विद लगाया है, अफ्लिक्टेड के बाद हमेशा विद लगता है तो मैंने ऑप्शन में विद भी लगाया है। तो आप इनका मीनिंग, इनका स्ट्रक्चर सब कुछ याद करके रखें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस तरीके से शुरू के दो क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जो लोग भी लाइव इस सेशन को सुन रहे हैं देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, और ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए। पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि आप जब ये बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप बहुत सारा लर्निंग मैसेज लेकर के जाएं, बहुत सारा कलेक्शन जो है वो लेकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। द प्राइम अक्यूज्ड बोर, प्राइम अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, प्राइम मतलब मुख्य, बोर, ये बोर जो है ये बियर का सेकेंड फॉर्म है, बी ई ए आर, बोर अ ग्रज, ये पूरा एक फ्रेज है, ग्रज के साथ अगेंस्ट लगता है, ग्रज का मतलब एनवी से हो सकता है, जेलसी से हो सकता है, एनिमिटी से हो सकता है, हॉस्टिलिटी से हो सकता है, दुश्मनी ईर्ष्या जिसको कहा जा सकता है। तो जो प्रमुख आरोपी था उसके मन में एक प्रकार से ईर्ष्या थी अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर डिसमिसिंग हिम फ्रॉम सर्विस। डॉक्टर की क्लिनिक पे मान लीजिए कोई काम करता हो और फिर डॉक्टर ने उसे निकाल दिया हो, फिर उसने डॉक्टर को किडनैप कर लिया या जान से मार दिया हो, तो वह आरोपी हो गया एक तरीके से। तो वो किसने क्यों किया, क्योंकि उसके मन में डॉक्टर को लेके ईर्ष्या थी। क्यों ईर्ष्या थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बोर अग्रज अगेंस्ट, इट इज अ फ्रेज, बियर अग्रज अगेंस्ट, कहीं लिख लीजिए कॉपी पेन हो तो, बियर अग्रज अगेंस्ट, जिसका मतलब है ईर्ष्या रखना किसी के खिलाफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करते हैं। द पुलिस आर क्लेमिंग, मतलब पुलिस ये कह रही है, क्लेम करना मतलब दावा ठोंकना, दावा करना, दावेदारी करना। द पुलिस आर क्लेमिंग, पुलिस ये क्लेम कर रही है, क्या क्लेम कर रही है, कि उसने केस को सॉल्व कर लिया है, यही तो क्लेम करेगी पुलिस। अगर पुलिस केस को सॉल्व कर रही है तो क्यों कहेगी कि, दावा करने का क्या मतलब है कि पुलिस ये कहेगी नहीं मैं हमने केस को सॉल्व कर लिया है। तो जब पुलिस ये दावा कर रही है कि केस को सॉल्व कर लिया है उसने, तो ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें परफेक्शन हो, परफेक्ट हो, क्योंकि सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व कर लिया है का मतलब काम पूरा हो चुका, इट मींस परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट में हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी को चूज करिए, टू हैव सॉल्व्ड, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है। टू हैव सॉल्व्ड का ही मीनिंग होगा कि सॉल्व कर लिया है। नॉर्मल परफेक्ट और इस परफेक्ट में थोड़ा सा अंतर है, नॉर्मल परफेक्ट में हैव सॉल्व्ड होता है, यहां पर हैव सॉल्व्ड के पहले टू भी लगा, क्योंकि ये सिर्फ परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट इन्फिनिटिव है, क्या है,
परफेक्ट इन्फिनेटिव, जब टू लगे, हैव लगे और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो परफेक्ट के जैसे ही काम करेगा, यानी काम पूरा हो चुका है यही दर्शाएगा, लेकिन उसे परफेक्ट इन्फिनेटिव कहा जाएगा क्योंकि टू भी लगा हुआ है, इन्फिनेटिव के लिए टू का आना जरूरी होता है। तो ये अगले तीसरे और चौथे क्वेश्चन के आंसर थे और उनका जस्टिफिकेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और इस सेशन के ओवर होते तक इसे अपनी कमेंट भी दे करके जाएं ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिन्हें ना मालूम है मैं बता दूं कि लुक फॉरवर्ड टू इज ऑल्सो अ फ्रेज। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, तैयारी करना, प्रिपेयर होना एक तरीके से। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं तैयार हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। टू क्या ऑप्शंस हैं? प्लेइंग, शेयरिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंजॉइंग। आगे का सेंटेंस, अ रोल एट नेशनल लेवल टू हेल्प स्टेबलाइज द पार्टी। एक पॉलिटिकल सेंटेंस है, कोई राजनेता है और उसकी पार्टी है जिसकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो वो कह रहा है कि मैं इस इंतज़ार में हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिलेगा और मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमिका निभाऊंगा पार्टी को एक आधार देने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबिलिटी आप समझते हैं, मजबूती जिसको कहा जा सकता है, स्थिरता जिसको कहा जा सकता है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे मौका मिले कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमिका निभाऊं ताकि मैं पार्टी को स्थिरता देने में मदद कर सकूं, एक स्टेबिलिटी देने में अपनी हेल्प दे सकूं। तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक भूमिका अदा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले अ रोल। रोल को हमेशा प्ले ही करेंगे, शेयर नहीं करेंगे सर। शेयर तो इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं, शेयर तो नॉलेज को कर सकते हैं, शेयर तो लंच को कर सकते हैं, तो ये सब नहीं। कॉन्ट्रीब्यूट करने का मतलब पैसे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, असिस्टेंस देना हो सकता है। रोल जो वर्ड आपने देखा है ना सेंटेंस में, इसकी वजह से सारे ऑप्शन अब कमजोर हो गए, सिर्फ प्लेइंग ही जीतेगा। एंजॉइंग मीन्स नथिंग हियर। तो क्या करेक्ट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी तक का दूसरा सबसे अच्छा सेंटेंस है। वैसे तो मेरे हिसाब से सभी आपको अच्छे लग रहे होंगे, मेरी कोशिश तो यही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, इन केस द एजेंसी फेल्स टू, एजेंसी किसी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी को कहा जा सकता है, जैसे CBI एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वैसे ही एजेंसी वर्ड यूज हुआ। तो अगर एजेंसी फेल्स टू, नहीं कर पाती है, द सेडिशन चार्जेस, सेडिशन चार्जेस जानते होंगे, ऑफ लेट बहुत से लोगों पर सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं। पॉलिटिकल क्लास अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी किसी को देशभक्त घोषित कर देती हैं और कभी भी किसी को देशद्रोही घोषित कर देती हैं। तो ये पॉलिटिकल टूल है एक तरीके से, हर प्रकार की गवर्नमेंट्स के पास रहता है हमेशा से, ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या। खैर, सेडिशन चार्जेस का मतलब है देशद्रोह का आरोप। तो अगर एजेंसी देशद्रोह के आरोप को साबित नहीं कर पाती, यही तो मीनिंग होगा फेल्स टू। जो लगाए हैं चार्जेस तो लगा देना बस सरल होता है, लेकिन उन्हें साबित करना, अगर साबित करने में असफल रही, दिस केस शैल बी ड्रॉप्ड, इस केस को ड्रॉप कर दिया जाएगा। केस को ड्रॉप करने का मतलब केस खत्म, अब कोई गुनहगार नहीं है ना। देन एंड देयर, देन एंड देयर एक फ्रेज है, आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर के लिहाज से कम, रियल लाइफ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी वक्त, जिसको कहा वहीं और उसी वक्त, ऐसे आप बोलते हैं ना, वहीं और उसी वक्त। ये लिखा हुआ है कि अगर एजेंसी ने जो सेड्यूशन चार्जेस लगाए हैं किसी व्यक्ति विशेष पर, संस्था विशेष पर, अगर उन चार्जेस को, उन राजद्रोह के आरोपों को एजेंसी साबित नहीं कर पाती है, तो उसी क्षण, वहीं उसी क्षण ये मुकदमा जो है खत्म हो जाएगा। अब साबित करने के लिए आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एक तरीके से चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, फिर भी किसी एक ही को यूज करना है। पहला ऑप्शन है ऑथेंटिकेट, सेकंड वन इज विंडिकेट,
हाँ, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को मालूम हो कि विंडिकेट एक लीगल वर्ड है और ये लीगल सेंटेंस है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है सब्सटैंशिएट, फोर्थ और जो डी ऑप्शन है वो है एंडोर्स। अब मैं धीरे धीरे से सब कुछ बताता हूँ आपको। एंडोर्स करने का मतलब है सपोर्ट करना, एंडोर्स करने का मतलब सहभागिता व्यक्त करना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि अभी देखिए लॉकडाउन को बढ़ाने की बातें चल रही हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ही जो है देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, और उसमें लेट्स से कि किसी एक मुख्यमंत्री ने, अपने ही स्टेट के योगी आदित्यनाथ साहब ने, ये सुझाव दिया दैट दिस लॉकडाउन शुड बी एक्सटेंडेड। अब उन्होंने ये सुझाव दिया और प्रधानमंत्री महोदय ने पूछा बाकी लोगों का क्या स्टैंड है, व्हाट अदर्स हैव टू से ऑन दिस, शुड लॉकडाउन बी एक्सटेंडेड और शुड इट बी ड्रॉप्ड। तो बाकी भी स्टेट के मिनिस्टर्स ने कहा सर आई थिंक दैट इट शुड बी एक्सटेंडेड। तो सबने एंडोर्स कर दिया योगी आदित्यनाथ साहब के स्टेटमेंट को। मेरी बात आपको समझ में आई ना? योगी ने कुछ कहा और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उस बात के पीछे अपना समर्थन दे दिया, तो एंडोर्स कर दिया। ये जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन साहब, इतनी बड़ी उम्र हो गई, 80 साल के हो रहे हैं, वो हिमानी नवरत्न तेल बेचते रहते हैं, तो वो एंडोर्स करते हैं वो उस प्रोडक्ट को। आई बिलीव समझ में आ रहा होगा। अब ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए। ऑथेंटिकेट का इस्तेमाल खास तौर पे तब होता है जब कोई डॉक्यूमेंट हो और उसको साइन करना हो आपको, ताकि पता चले कि ये राइट डॉक्यूमेंट है, ये रियल इन्फॉर्मेशन है। तो मेरी नज़र में ए और डी को तो नहीं आना चाहिए। ना द फाइट लाइज बिटवीन विंडिकेट एंड अनसबस्टैंशिएट। मैं विंडिकेट और सब्सटैंशिएट दोनों का मीनिंग बताता हूँ। विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, सही साबित करना। खास तौर पे इसका इस्तेमाल किसी को निर्दोष साबित करने के लिए किया जाता है। जब कोर्ट किसी के पक्ष में फैसला सुनाता है और बोलता है कि आप पर जो आरोप लगे थे वो मिथ्या थे, सब गलत थे, तो कोर्ट आप पर लगे सारे आरोपों को वापस लेता है। द कोर्ट इज हैप्पी टू विंडिकेट यू, द कोर्ट इज हैप्पी टू विंडिकेट यू। विंडिकेट करने का मतलब है जस्टिफाई करना, सही साबित करना, खास तौर पे किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित करना। मेरी बात सुनी आप लोगों ने? विंडिकेट करना। अच्छा, और विंडिकेट करने का काम किसी लॉयर का नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं। एजेंसी एक पक्ष है ना जो कोर्ट में अपनी तरफ से कुछ कह रहा है, तो विंडिकेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो जज के पास होगा, जो जो फैसला सुना सकता है। जैसे किसी ने दया याचिका राष्ट्रपति के सामने दी, तो राष्ट्रपति उसे विंडिकेट कर सकते हैं। जो पर्सन इन अथॉरिटी होता है वो इस काम को करता है विंडिकेट करना। एजेंसी विंडिकेट नहीं कर सकती, एजेंसी तो एक पार्टी हो गई, तो जो अध्यक्ष है, जो फैसला सुनाने की कैपेबिलिटी रखता है, वो विंडिकेट करेगा। अब आप सब आंसर तो जान गए हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आप सर चीज़ों को सीखिए, पेपर में ये हो सकता है ना आए, ना मैं जो नॉलेज इम्पार्ट करूँगा वो आएगा पेपर में, तो आप सब सीखने का प्रयास करिए। ये नहीं कि सब्सटैंशिएट जान गए अब ये होगा, अब बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर चलिए। नहीं, वेट करिए और थोड़ा पेशेंस से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सब्सटैंशिएट का मतलब ही होता है विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, सबूत के मदद से जो आरोप आप लगा रहे हैं उन आरोपों को जस्टिफाई करना, आप साबित करेंगे। सब्सटैंशिएट लॉयर करता, सब्सटैंशिएट पार्टी करती है, मतलब गवाह पेश करना, सबूत जुटाना, ताकि जो आरोप आप लगा रहे हैं उन आरोपों को सही साबित किया जा सके। सब्सटैंशिएट सब्सटेंस से बना, सब्सटेंस का मतलब आधार, वस्तु, मजबूती से। तो आधार, वस्तु या मजबूती क्या है? कोई भी केस होता है, एविडेंस दिया जाता है, एविडेंस ही तो एक आधार देता है, सबूत से ही तो एक केस भारी होता है, मजबूत होता है, तो उसी सब्सटेंस से सब्सटेंशिएट बना है। इसका सिनोनिम कोरोबरेट हो सकता है, वैलिडेट हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये सब हो सकता है। इन माई ओपिनियन इट वॉज वेरी नाइस सेंटेंस, और बहुत बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा आप सभी के लिए, चाहे वो विंडिकेट को समझना रहा हो, चाहे सब्सटैंशिएट को समझना रहा हो, या फिर चाहे एंडोर्स को समझना रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस। देखिए, जैसे हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी रीच बढ़े,
मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े, मैं भी पॉपुलर हूँ। जैसे कि अभी मैं आलमबाग में जाना जाता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है मैं आलमबाग का इंग्लिश का सबसे अच्छा फैकल्टी हूँ। हाँ, ये सब उन लोगों की काइंडनेस है, इसे बनाए रखिए। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ ना कि धीरे धीरे मुझे कपूरथला के लोग जाने, पुरनिया के लोग जाने, लखनऊ में और जो एरियाज़ है वहाँ के लोग जाने, और सिर्फ लखनऊ के क्यों लोग जाने, बिहार के लोग जाने, गोरखपुर के लोग जाने, बनारस के जाने, दिल्ली के जाने, इलाहाबाद के लोग जाने, अगर मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। और ये सब संभव है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं प्रयास करूँगा, मैं अपनी तरफ से आपको एक कमिटमेंट देता हूं कि आपने अगर मेरा सपोर्ट किया तो मैं अपने कंटेंट से निराश नहीं करूंगा। मैं स्टैंडर्ड कंटेंट रखूंगा, अच्छा कंटेंट रखूंगा, जिससे हर स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो बहुत होशियार क्यों ना हो और चाहे वो बहुत ज्यादा वीक क्यों ना हो, सबके लिए बहुत कुछ होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इट सेज, एक्सक्यूज मी, द रेन डेफिसिट हैज, रेन डेफिसिट, डेफिसिट वैसे तो इकोनॉमी में यूज होने वाला टर्म है, फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा। और यहाँ डेफिसिट का मतलब घाटे से नहीं है, कमी से है। जैसे कभी कभी बारिश बहुत होती, जिसे आप ना डेल्यूज बोलते हैं, अतिवृष्टि जिसको कहा जाता है, और कभी कभी अल्पवृष्टि होती है, बहुत कम बारिश होती है, उसे रेन डेफिसिट बोल सकते हैं। अब जब बारिश कम होगी तो क्या होगा, नदियों में, तालाबों में पानी कम हो जाएगा, उनका स्तर जो है, जल स्तर होता है ना, जहां जहां पे पानी भरा होता है, तो जल स्तर कम हो जाएगा। आगे देखिए ना, स्पेस के बाद रिजर्वर्स लिखा, रिजर्वर्स ही बोलते हैं पोखरों को, बड़े बड़े तालाबों को बोलते हैं, तो वहां का जल स्तर कम हो जाएगा। अब कम होने के लिए या तो आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करिए, क्योंकि डिप्लीटेड लिखा हुआ, डिप्लीट का मतलब ही होता है कम पड़ना, जैसे ओजोन लेयर पतली होती चली जा रही, तो डिप्लीट कर रही है। हालांकि पिछले 1.5-2 महीने से पूरी दुनिया रुकी हुई है, तो ये भी न्यूज आ रही कि ओजोन लेयर बहुत तेजी से भर रही है, हाँ, जो उसकी समस्याएं थी वो दूर हो रही हैं। तो ऐसे डिप्लीट होना कहा जाता है, कमजोर पड़ना। और रिसीड का मतलब भी अक्सर यही होता है, जो वाटर लेवल कम पड़ता है ना, गिरता है थोड़ा सा तो रिसीड करता है। जैसे खूब बारिश हुई और नदियों में उफान आ गया, खतरे के स्तर से वो बहुत ऊपर बहने लगी, एक लेवल तक पानी भर गया, फिर बारिश रुकी तो पानी धीरे धीरे जब छटा तो रिसीड किया। जैसे लखनऊ में ही कुछ ऐसे गली मोहल्ले हैं जो बहुत बहुत एक तरीके से निचले एरियाज हैं, वहाँ जरा सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, आप में से बहुत से लोग रहते होंगे, जानते होंगे। हाँ, फिर बारिश रुकी तो फिर से पानी जो है वो छट जाता है, नालियों के माध्यम से बह जाता है, तो वाटर रिसीड करता है, वाटर रिसीड करता है। तो ये दोनों ऑप्शन से एक जैसे मान लीजिए हो सकते हैं। आगे लेकिन पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो सेकेंड पे भी बेस्ड होगा ना, जो सेकेंड फिलर है उस पे भी बेस्ड होगा। बिसाइड्स, इसके साथ साथ और क्या हुआ, एक तो बारिश कम होने की वजह से तालाबों का पानी कम पड़ गया है, इसके अतिरिक्त डिलेइंग द समर फूड ग्रेन क्रॉप्स, अब आप समझिए सर, बारिश के कम होने की वजह से किस चीज में डिले हुई होगी। सर, फसल को कभी काटने में डिले नहीं होता, डिले वर्ड हमेशा फसल की बुआई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अंदाजा लगाइए सर, आप भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बारिश खूब हुई इसकी वजह से फसल बोने में देरी हो गई, या बारिश नहीं हुई हम इंतजार करते रहे कि बारिश होगी होगी पर नहीं हुई, तो आप देखो जो फसल नवंबर में बोई जानी थी, मई में बोई जानी थी, वो जुलाई में अब बोई जाएगी। तो डिले फसल की बुआई करने में हो सकता है, और सोइंग जो कि पहले में लिखा हुआ वो ही उसका मीनिंग होता है बुवाई करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। जो रिसीडेड के बगल में कल्टीवेटिंग लिखा, उसका तो मतलब फसल के तैयार होने से होता है, कल्टीवेट करना मतलब चीजों को प्रिपेयर करना, रेडी करना। देखिए खेती में यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है कल्टीवेटर, भूमि को किसानी के योग्य, खेती के योग्य बनाता है ना, फसल उगाने योग्य बनाता है। कल्टीवेट करने का मतलब ही चीज़ों को प्रिपेयर करना, उनमें रेडीनेस लेकर के आना होता है। बाकी सी और डी बेकार है, फ्लडेड कैसे हो सकता है, जब बारिश ही नहीं हुई तो बाढ़ कैसे आ जाएगी। और ओवरवेल्म्ड जो है वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर में यूज होता है, भाव विभोर हो जाना इसको कहा जा सकता है। तो नदियों से उसका क्या मतलब है, ओवरवेल्म्ड तो आप हो जाएंगे ना, जैसे पीएम साहब आपको फोन करके आपका हालचाल ले लें तो आपकी क्या हालत होगी बताइए, आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे उनकी इस महानता के चक्कर में, है ना, उनकी इस महानता से, उनके इस
बड़प्पन से। चलिए तो सेवन का आंसर मिला, ए चलेगा। और अब एट को पढ़िए। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है दैट इट विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अच्छा एक बात आप सबसे पूछनी है, क्या इसको पढ़ते समय आपको ये लगा एक भी बार कि ये क्वेश्चंस मैंने कहीं देखे हैं पहले, कभी किसी बुक में, किसी सैम्पल पेपर में, मॉक टेस्ट में, प्रीवियस पेपर्स में, या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, दुनिया भर के ऐप्स हैं वहां से आप एसटी लेते होंगे, क्या आपको कहीं लगा कि ये क्वेश्चंस हमने एग्जैक्टली देखे हैं? हाँ, इसके आसपास हो सकता है जरूर देखे हो, पर एग्जैक्टली देखे हो ऐसा कुछ लगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सेंटेंसेस मैंने खुद बनाए हैं, मेरे अपने सेंटेंसेस हैं। द हिंदू पेपर का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उसी को हमेशा पढ़ता हूं, तो उसी से लाइनें निकाल निकाल के, ऑप्शंस निकाल निकाल के मैंने बनाए हैं। अगर आपको लगता है हाँ मेरा अपना ही क्रिएशन है, तो लाइव चैट के माध्यम से बताते रहिए कि हाँ मेरा अपना ही क्रिएशन है। खैर, सेंटेंस नंबर एट को पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट इट विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि अब से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अब से इट विल ट्रांसलेट इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब फैसले, वर्डिक्ट का क्या मतलब होता है? फैसला। वर्डिक्ट में ध्यान से देखिए, VER दिख रहा है, जोर से बोलिए, हाँ VER कहीं लिख लीजिए। VER का मतलब ट्रू या ट्रुथ से होता है, सच्चाई से होता है, इसी से सर वेरीफाई बनता है, वेरिफिकेशन बनता है, सुन रहे हैं ना, वर्डिक्ट बनता है, वेरासिटी बनता है, वेरिटी बनता है, वेरिसिमिलिट्यूड बनता है, विराशियस बनता है, और इन सारे शब्दों का मतलब सच्चाई से होता है। अच्छा बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों होता है? ये पता लगाने के लिए कि आप चोर हैं? नहीं, ये पता लगाने के लिए आपकी, आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सही है। हाँ, जानकारी सही है ये पता लगाने के लिए, ये पता लगाने के लिए नहीं कि जानकारी झूठ है। पर्पस देखिए सर, वेरिफिकेशन सच्चाई तक पहुंचने का तरीका है, झूठ तक पहुंचने का नहीं, तो ट्रू या ट्रुथ की तरफ जाता है। और न्याय क्या है? एक सत्य है और एक सही व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि आपसे वो जो भी फैसले सुनाता है उनको ट्रांसलेट करेगा। देखिए, वर्डिक्ट लिखा जाता है, एक लैंग्वेज होती है, आप सबको मालूम होगा कि कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, हाँ, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अब से वो जो भी फैसले सुनाएगा उनको ट्रांसलेट करेगा इनटू ऑल ऑप्शंस, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, स्लैंग लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब सर ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश भर में कोई 15, 20, 50 आधिकारिक भाषाएं तो नहीं है। मेरे हिसाब से आप सबको मालूम है कि इंडिया की भी एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज इंग्लिश। हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्नड़ी, गुजराती, पंजाबी ये सब तो नहीं है ना कहीं से, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस हो सकती हैं एक तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं? खैर, तो ये ऑप्शन गलत है। स्लैंग तो तू तू मैं हो सकता है, गाली गलौज, अबे तबे वाली जो भाषा हो सकती है। क्यों वो ऐसा करना चाहता है? तो इसका जो आंसर है, आप में से बहुत से लोगों को बी लग रहा होगा, रीजनल लैंग्वेजेस, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस होता है। ये एक पर्टिकुलर टर्म है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो एवरीडे लैंग्वेज है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज, जिसे आप बोलते हैं एक तरीके, जैसे भोजपुरी हो गई, पंजाबी हो गई, तमिल हो गई, जो नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है रीजनल लैंग्वेजेस होता है, लेकिन जब लिखने पढ़ने की बात आती है तो वहां पर फिर वर्नैक्युलर लैंग्वेज हो जाता है। ट्रांसलेशन की जब बात आती है, कुछ लिखने की बात होती है, जो लोग स्टेनोग्राफर्स वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, उन्हें ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज होती है वो। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंड द लिटिगेंट्स, की जो आम जनता है और जो मुकदमा करने वाले लोग हैं, लिटिगेंट्स उनको बोलते हैं जिन्होंने कोर्ट में कोई केस फाइल किया हो। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री का मतलब है देश भर में, दूर दराज, जहां जहां भी लोग हैं, सबको, ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी हो सके। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया लेकिन व्यक्ति को लैंग्वेज नहीं मालूम जिसमें वो फैसला लिखा हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। तो जब उसी की लैंग्वेज में होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा, तो इंटरप्रेट करना सरल भी होगा और साथ ही साथ सही इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेंथ एंड ब्रेथ मतलब दूर दूर तक, हर किसी को, सभी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक का सेशन मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ाना, होपफुली आपको भी अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो यस बोलते रहें, कमेंट करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आप सबसे पूछनी है, वो ये कि इवनिंग के सेशन को लेके तो मैं काफ़ी हद तक डिसाइडेड हूँ कि मुझे 10 बजे के आसपास ही रखना है इसे। जो टाइमिंग चल रही है इसे हम मेंटेन भी कर पा रहे हैं, ये मुझे सूट भी कर रही है, होपफुली आपको भी सूट कर रही होगी। लेकिन मॉर्निंग की टाइमिंग को लेके मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कभी मुझे लगता है कि 10 बजे सेशन रखना चाहिए, कभी 11 बजे। आज जैसे सुबह का सेशन 1 बजे हुआ, तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं, यहीं पर आप लाइव चैट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं कि 10, 11, 1 किसको सही समझा जाए। उससे पहले तो नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप में से बहुत से लोग देर तक पढ़ते होंगे, तो देर में सुबह सो के उठते होंगे, तो मुझे बताइएगा सोच समझ करके आप सभी लोग। चलिए सेंटेंस नंबर 9 को पढ़ते हैं। इट सेज यू कैन नॉट इवन वॉच न्यूज, मतलब इवन न्यूज मतलब अब न्यूज भी नहीं देख सकते, विद योर फैमिली, अपने घर वालों के साथ। बिकॉज क्यों? ऑब्सीनल वल्गर एडवर्टीजमेंट्स। हाँ, ऐसी तो समस्या होती है कि पता चला कोई कोई सीरियल देख रहा, कोई न्यूज देख रहा, उसमें ऊटपटांग का ऐड आ गया। अब बताओ, अब शर्मा गए सब लोग? यही लिखा हुआ है इसमें कि आप न्यूज भी अपनी फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकते, क्योंकि क्या पता कब कोई ऊटपटांग सा एड चला है। लिखा नहीं है बिकॉज ऑब्सीन एंड वल्गर एडवर्टीजमेंट्स, गंदे गंदे एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। अब प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तो कुछ भी गंदा नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से जो फैमिली लाइफ है उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि ऊटपटांग से एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं इन न्यूज प्रोग्राम्स। तो कैसे आ जाते हैं आप अंदाजा लगाइए। न्यूज चल रही है, फिर एकदम से ब्रेक आ गया और कुछ कॉमर्शियल्स आ गए, उसके बाद फिर न्यूज आई, न्यूज चली, फिर कॉमर्शियल्स आ गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि कोई चीज चल रही है उसके बीच में कोई दूसरी चीज आ जाए, कुछ देर तक वो एग्जिस्ट करे, उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाए, फिर वो पुरानी चीज चलने लगे। यही तो हो रहा है ना। 5 मिनट की न्यूज आई, 2 मिनट का एड आ गया, उसके बाद फिर 2 मिनट के एड के बाद 5 मिनट की न्यूज आ गई। तो इसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शंस हैं, इंटरस्पर्स्ड, एंटवाइंड, इंटरट्वाइंड और इंटरलॉक्ड। अब ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरलॉक तो आप जानते होंगे कपड़ों के केस में इंटरलॉकिंग कराई जाती है। इंटरलॉकिंग का क्या पर्पज है? चीजों को ढंग से फंसा देना, फिट कर देना, मेरी बात आप समझ, ताकि वो कनेक्टेड रहें, अलग ना जा सके, है ना। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों का एक ही मीनिंग होता है काफी हद तक, एक चीज में दूसरी चीज को फंसाना। जैसे आप एक काम करें, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को हल्का सा फैलाएं और दाएं हाथ की उंगलियों को भी फैलाएं, फिर आपस में फंसा दे उनको, एंटवाइन इसको कहा जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप तार लें और एक दूसरा तार लें, उसे एक दूसरे के ऊपर लपेट दें, जिसको ट्विस्ट करना कहा जा सकता है। तो ये इनका मीनिंग हो गया। जो मैं सही ऑप्शंस ढूंढ रहा हूं वो ऑप्शन नंबर ए है। इंटरस्पर्स का मतलब ही होता है कि कोई एक चीज चल रही है उसके बीच में कोई दूसरी चीज हो, फिर वो रुके और फिर से पहली वाली चीज जो चल रही है वो चले। कोई एक सिचुएशन है, कोई एक इंसिडेंट हो रहा है और उसके बीच में कोई दूसरी घटना घट जाए, तो इंटरस्पर्स्ड कहा जाता है इसको। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि न्यूज के बीच बीच में अजीबोगरीब एड्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से बड़ा अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए, फैमिली वालों के साथ। चलिए, अब में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों के भुक्तभोगी हुए होंगे, ये तो चलता ही रहता है, क्या किया जा सकता है। सो लेट्स रीड आउट दिस सेंटेंस नंबर 10। इट सेज आई हर्ड अ ह्यूज रोर, मैंने बहुत जोर की आवाज़ सुनी। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, ह्यूज रोर, रोर मतलब दहाड़ने की आवाज, मैंने बहुत जोर की आवाज़ सुनी। एज इफ मानो की, एज इफ मानो कि, शायद आपको याद हो कि एज इफ एज दो इनका मीनिंग होता है, मानो कि एज दो, एस एज और दो, TH OU GH दो, एज इफ एज दो का एक ही मीनिंग है, मानो कि। ये इमेजिनरी सिचुएशंस में आते हैं, फिक्शनल केसेस में, जहां पर मानो कि ऐसा हो गया हो, मानो कि ये हो गया हो, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे कि खबर सुनकर वो ऐसे सन्नाटे में चला गया मानो कि उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो, तो है तो काल्पनिक बात ही, जमीन कहीं खिसक सकती है क्या? तो ये है मानो कि। और
काल्पनिक बातों का जो टेंस है हमेशा पास्ट ही होता है। क्या होता है? पास्ट होता है। अब कई ऑप्शंस के बीच में आप फंस जाएंगे। डी तो नहीं लगाएंगे इस, क्योंकि मैंने बताया ना कि पास्ट होगा। कैसे पास्ट होगा? मुझे बहुत जोर की आवाज सुनाई पड़ी, मानो कि कहीं पर कोई पुल गिर गया हो। जानते हैं ये सेंटेंस मैंने कब लिखा था? एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी कुछ वक्त पहले। ये दिल्ली से एक बस चली आ रही थी, नहीं शायद लखनऊ से दिल्ली जा रही थी बस, और वो बस जो है ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाता है और वो एक नीचे जमीन नीचे गिर जाती है जहाँ पर नहर होती है। काफ़ी लोग की डेथ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक पुराने मित्र भी उसमें थे, सत्या सर उनका नाम था, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। सत्या सर मैथ्स के बहुत माने जाने फैकल्टी हुआ करते थे। जो अब भी अगर कोई आप में से कपूरथला का स्टूडेंट मेरा ये सेशन देख रहा होगा, कपूरथला अलीगंज पुरनिया का, तो जरूर सत्या सर को जानता होगा। अगर पुराना स्टूडेंट होगा तो निश्चित रूप से जानता होगा। वो अपने समय के बहुत ही प्रोग्रेसिव स्मार्ट एडवांस फैकल्टी थे। मतलब जब लोग बहुत नॉर्मल मैथ्स पढ़ाते थे तब वो बहुत अच्छे लेवल की मैथ्स पढ़ाते थे। ये तो उनका एक तरीके से प्रोफेशनल नॉलेज हो गया। एज ए इंडिविजुअल वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत माइल्ड थे। कभी नहीं लगा कि हम सब जूनियर हैं और वो सीनियर हैं, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था महिंद्रा में पढ़ाना, तो वो उस वक्त 3-4 सालों से पढ़ा रहे थे, तो वो ही वॉज क्वाइट सीनियर टू मी। लेकिन कभी मुझे एहसास नहीं हुआ। खैर क्या किया जा सकता है। तो ये उसी वक्त मैंने फिर स्टोरी पढ़ी थी और फिर सेंटेंस निकाला था। सेंटेंस पे आते हैं वापस। आई हर्ड अ ह्यूज रोर, मुझे बहुत जोर की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कि कहीं पुल गिर गया हो। अब देखिए, पुल गिरा हो सत्य घटना हो सकती है, लेकिन अगर आपकी नज़र में ये बात सत्य है तो आप मानो कि क्यों बोल रहे हैं? तब आप ये बोलें, मुझे बहुत जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी क्योंकि पुल गिर गया था। क्या कहा मैंने? क्योंकि पुल गिर गया था। ऐसा तो नहीं कह रहे, आप कह रहे मानो कि पुल गिर गया हो। तो यू डू नॉट नो कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या सही नहीं है। इसी को कहते फिक्शन, और इसी वजह से पास्ट होना चाहिए। आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि फिक्शनल केसेस में पास्ट टेंस में वर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? वर का। लेकिन आप यहाँ वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वर का इस्तेमाल तब करते हैं मानो ऐसा है, ऐसा था। यहां पर तो कोलैप्स्ड भी तो लिखा हुआ, वर्ग के बाद कोलैप्स की थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगी? कोई जरूरत ही नहीं है। तो हैड कोलैप्स्ड होना चाहिए। वुड हैव कोलैप्स्ड का कोई मतलब नहीं है। एज इफ के बाद आप वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ना नहीं लगा सकते। एज इफ के बाद आप या तो सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब का यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप हैड और V3 का यूज कर सकते हैं। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इनका विचार करना गलत है आप सभी के लिए, है ना? मतलब फिर से सुन लीजिए, एज इफ के बाद पास्ट रहेगा, एज दो के बाद पास्ट रहेगा, इन दोनों के बाद या तो वर आ सकता है, WERE वर जिसे वेयर भी बोलते हैं लोग, और या तो हैड प्लस V3 हो सकते हैं। यहां पर हैड प्लस V3 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर मुझे बताएं, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ये मेरी आपसे विशेष अपील है कि अपना कमेंट जरूर दें नीचे वीडियो के जा करके। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जल्द ही पॉसिबली विद इन अ वीक जो है ST डिस्कशन भी कराया जाएगा। सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन मिसलिनियस नेचर के एक साथ आएंगे और फिर उनका डिस्कशन भी यहाँ कराया जाएगा। वो भी आप सबके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और रात का समय है तो फिर गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।